हेलो जी, वेलकम। तो यार आज का जो ये वीडियो है उसमें हम लोग आप लोगों को 20 कुछ ऐसी डील्स बताने वाले हैं जो कि आप लोग फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में ग्रैब कर सकते हो। और भाई एकदम टॉप नॉच डील्स निकालेंगे जो कि भाई एक्चुअल में यूजफुल है और रेटिंग्स भी बढ़िया हो, और पर्सनली जो मुझे पूरा रिसर्च करने के बाद हमारी टीम को रिसर्च करने के जो अच्छी लगी है, देखो वी वॉन्ट नाइस क्वालिटी, ग्रेट डिस्काउंट प्लस गुड क्वान्टिटी, जैसे चिकन ट्रिपल नूडल्स। अच्छा तो जोक सपाट भाई, आज की डील्स बहुत बढ़िया है और 20 के यार 20 ऊपर ही दिखाएंगे, कम नहीं दिखानी है। ओहो, बिल्कुल कम नहीं दिखानी है। तो ज़्यादा ही डील्स हैं, 20 के ऊपर है। और हाँ, स्मार्टफोन की डील्स भी हैं, लेकिन स्टार्ट हम लोग पावर बैंक से करने वाले हैं। जैसा कि बिग बिलियन डेज में आ रहा है, पावर बैंक पे 50-80% के बीच में डिस्काउंट आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 पावर बैंक सेलेक्ट किए हैं जो कि सारे पावर बैंक में स्टैंड आउट करते हैं। सबसे पहला MI 3i 20,000 mAh वाला पावर बैंक। तो यार ये MI का बहुत अच्छा पावर बैंक है, सब लोगों ने देखा रहेगा कहीं ना कहीं। 20,000 mAh का आता है, 18W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और करंट प्राइस उसका भी चल रहा है 1,999। इसकी 2,00,000 के प्लस रेटिंग है भाई, जितने भी पावर बैंक है ना सबसे ज़्यादा रेटिंग इसमें आती है। मतलब 2,00,000 से तो ज़्यादा रेटिंग दे रखी है, तो फिर मतलब सोचो खरीदा कितने लोगों ने होगा। अब इसमें कंसिडरिंग कि 50-80% ऑफ मिलेगा तो भाई मेरे ख्याल से बहुत अच्छी डील है। ये 2,000 पे आप लोगों को लेट से अगर 50% ऑफ देते तो 1,000 रुपये हो गया, लेकिन मुझे जितना लगता है इतना कम तो नहीं करेंगे, ये 1,500 के आसपास आ जाना चाहिए। और अगर आपको एक छोटा पावर बैंक लेने का सोच रहे हो तो एक सिस्का का 10,000 mAh का पावर बैंक है जो बहुत कम प्राइस में आ जाता है, वो 800 रुपये में आ जाता है। इसमें यार एक इशू है कि इसमें इतना ज़्यादा फास्ट चार्जिंग वगैरह नहीं है, लेकिन ये प्राइस वाइज बहुत कम है, रेटिंग में अच्छा है और पॉकेट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, मतलब पैसे में भी। तो फिर आप लोगों के लिए ये पावर बैंक अच्छा हो सकता है अगर आप लोग एकदम डिस्काउंटेड प्राइस में ही सोच रहे हो पावर बैंक लेने का। वरना भाई रुको, एक और बहुत सही ऑप्शन बताता हूँ जो कि आप लोगों को बस 100 रुपये और देने रहेंगे और वो पावर बैंक ले सकते हो। ये है एम्ब्रेन का 10,000 mAh का पावर बैंक। अब इसमें आपको 20W क्विक चार्ज भी मिल जाएगा, क्विक चार्ज 3.0, पावर डिलीवरी 2.0 दोनों ही है। प्लस एक और बढ़िया चीज़, ये 3 कलर्स में भी आ जाता है, ग्रीन ब्लू ब्लैक। तो यार ये सही कलर्स में आ जाता है और ये अभी मान लो अगर 1,000 रुपये का मिल रहा है, मतलब 999 का मिल रहा है और कंसिडरिंग डिस्काउंट आने वाला है इस पर अच्छा, तो भाई ये बहुत सही अच्छी डील मिल जाएगा। अगर मान लो आप लोगों को 600-700 में मिल गया ना, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर डील ग्रैब कर सकते हो। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिसके भाई मेरे को बहुत क्वेरीज भी आए थे, ये हैं अपनी ऑफिस चेयर्स। तो यहाँ पे मैंने बहुत सही ऑफिस चेयर जो सेलेक्ट किए हैं, ये एक साव्या का होम डेल्टा वाला ऑफिस चेयर है जिसका प्राइस अभी 2,871 चल रहा है और ये और डिस्काउंट में आने वाला है जैसे सेल स्टार्ट हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से बहुत सही बाय हो सकता है। ये रेटिंग्स भी बहुत बढ़िया है एंड आप उन लोगों के लिए जिनको क्वालिटी और ज़्यादा प्रीमियम चाहिए, बस वो 500-600 हज़ार रुपये और ज़्यादा भी दे सकते हैं, तो आप लोग ये ग्रीन सोल का लग्जरी हाई लेदर रेट ऑफिस चेयर उठा सकते हो, मतलब ले सकते हो। इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 3,880 एंड ये कलर्स में आता है ग्रे, डार्क ग्रे, ब्लैक, मरून, रेड, बहुत सारे कलर्स हैं और इसमें फिनिश बेटर रहेगा, क्वालिटी अच्छी है। ग्रीन सोल के सारे प्रोडक्ट्स चेयर्स तो स्पेशली काफ़ी अच्छे रहते हैं और इन्होंने यार तापसी बनू को ब्रांड एम्बेसडर भी बना लिया है। तो वैसे तो ये जो वीडियो है ना कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, हम दिल से एकदम आप लोगों के लिए अच्छी डील्स निकाल के लाए हैं ताकि कुछ बेनिफिट आप लोगों का भी हो जाए। और जब चेयर्स की बात ही कर रहे हैं भाई, मैंने गेमिंग चेयर्स में बहुत ढूंढने की कोशिश करी फ्लिपकार्ट में, बट इतना कुछ अच्छा नहीं मिला। एक ही चेयर अच्छी मिली है गेमिंग में, बेंटिया 911, ये ब्लू ब्लैक के फिनिश में आती है। और यहाँ पे मैं एक प्राइस ग्राफ डाल रहा हूँ, तो आप लोग ये प्राइस ग्राफ देखो, इसका प्राइस कुछ दिन पहले 13K चल रहा था, अभी ये रिड्यूस हुआ है तो ये 8,000 के पास में आ गया, मतलब ये जस्ट सेल आने से पहले ही प्राइस इन लोगों ने रिड्यूस कर रखा है इसका। और लेट्स से कि इनिशियल डेज में सेल में ये और कम हो जाता है तो भाई बहुत सही बाय हो सकता है। लेकिन इसके अलावा मेरे को कोई भी ज़्यादा अच्छी चेयर नहीं दिखी है गेमिंग के लिए भी। तो और जो चेयर्स वगैरह रहेंगे ना, वो लोग हम लोग अमेजोन का जो डील वाला वीडियो बनाएंगे ना ग्रेट इंडियन डे पे, तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। बट ये जो गेमिंग चेयर है और जो मैंने चेयर्स बताई उन पे एक बार ना प्राइस वॉच कर सकते हो आप लोग, अगर अच्छे डिस्काउंट में आए तो एक बार ज़रा चेकआउट कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ड्रम रोल प्लीज़, भाई स्मार्टफोन्स। अब स्मार्टफोन्स तो यार सब यूट्यूबर्स कहीं ना कहीं से सेलेक्ट करते हैं, सबकी चॉइसेस होती हैं। अब मैं अपनी कुछ स्पेशल चॉइसेस बता देता हूँ। मैंने एकदम कम प्राइस वाले भी सेलेक्ट कर लिए और जो डिसेंट प्राइस में मुझे जो सही लगे ना वो भी सेलेक्ट कर लिए। सबसे पहला भाई जिसने मेरा अटेंशन ग्रैब किया ना, ये नथिंग का फोन 1 एक बहुत अच्छा डिस्काउंट प्राइस में आ रहा है। वैसे अब इसका प्राइस 33 से लेकर 38 के तक जाता है बेस्ड अपॉन आप लोग कौन सा वेरिएंट ले रहे हो, तो भी मिनिमम आज की डेट में ये 34,000 का कुछ आता है, लेकिन सेल में जो इसका प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 28,999, मतलब मोटा मोटा 29,000। और एक और इसमें जो बेनिफिट दिखा है वो है यार एक्सचेंज ऑफर का, 3,000 रुपये और कम हो जाएंगे अगर आप लोग पुराना फोन एक्सचेंज करते हो, मतलब पकड़ के चलो आप लोग को 25,000 में नथिंग फोन 1 मिल सकता है, तो एक अच्छी डील है ये। और दो फोन ने मेरा बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया भाई, ये iPhone 11 और iPhone 12। iPhone 11 का प्राइस ये लोग 28,000 समथिंग रखेंगे और iPhone 12 का प्राइस 38,000 समथिंग रखेंगे। अब पता है इसमें इशू क्या होता है,
ये लोग बोलते ऐसा है बट ये इनिशियल स्टार्टिंग के एक दिन ही रखते हैं ये प्राइस, फिर थोड़ा 2-3 हज़ार बढ़ा देते हैं। तो इसमें ये चीज़ आप लोग कर सकते हो, अगर बहुत कोई श्योर है ना कि यार यही फ़ोन लेना है, मैं 6 महीने 1 साल से सोच रहा हूँ ये फ़ोन लेने का, तो यार पहले दिन उठा लो, ज़्यादा वेट मत करो कि 2-3 दिन बाद उठा लेंगे, तो कोई ना कोई और उठा लेगा और आप लोगों को 3-4 हज़ार ज़्यादा में मिलेगा। अब एंड्रॉयड फ़ोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक फ़ोन बहुत सही लग रहा है, Poco X4, जिसका प्राइस ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है। यहाँ पे मैं एक प्राइस ग्राफ लगाता हूँ, ये यार देखना कुछ दिन पहले तो 20 हज़ार के पास में चल रहा था, अभी इसका प्राइस हो चुका है 16,500। कंसिडरिंग इन लोगों ने प्राइस ड्रॉप ऑलरेडी कर दिया सेल्स से पहले, तो अब थोड़ा सा ही और कम होगा प्राइस, बट फिर भी यार अगर कोई अच्छा, मेरे ख्याल से पोको के फ़ोन अच्छे होते ही हैं, मैंने Poco X2 बहुत अच्छे से चलाया, तो कंसिडरिंग ये Poco X4 है तो थोड़ा और बेटर ही और अच्छा ही चलेगा। तो यार 16,000 के पास में प्लस एक्सचेंज ऑफर लगा लें, बैंक ऑफर्स लगा लें, तो ये अगर आप लोग 14,000 में अगर आप ये फोन उठा पाए ना, तो भाई समझना बेस्ट डील्स उठा लिया आपने। अब जो सैमसंग के फोन ज्यादा प्रेफर करते हैं उनके लिए एक दो फोन अच्छे थे यार, ये एक सैमसंग F13, उसका प्राइस आ रहा है 8,500, 6.6 इंच फुल HD डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो भाई सही क्वालिटी में अच्छा फोन आएगा। और F23 जिसका प्राइस वैसे तो 22,000 के पास में है, लेकिन ये 11,000 में मिलेगा, 128 GB, स्नैपड्रैगन 750G, 120Hz फुल HD डिस्प्ले, तो अच्छा फ़ोन है अगर 11-12 हज़ार में भाई, और सैमसंग की क्वालिटी में वो डिफरेंस आ ही जाता है, मतलब थोड़ी बेटर ही रहती है। अब एकदम कट टू कट बजट में चाहिए तो यार एक ही फ़ोन यहाँ पे सही लग रहा था मेरे को, ये 7,200 का इन लोगों ने प्राइस रख दिया है, वैसे इसका प्राइस 12,000 कुछ चलता है, तो फिर ये 4GB 64GB वाला वेरियंट है, और इसका हाईलाइटेड फीचर ये है कि 6,000 mAh की इसमें बैटरी है, मतलब लंबा चलेगा बैटरी वाइज। अभी कितना लंबा आप चला पाते फ़ोन वो पक्का नहीं है। अगर यही प्राइस में देख लो यार, रियलमी का एक फ़ोन आने वाला है जो कि सेल में ही लॉन्च होगा, अभी तक पहले से नहीं चल रहा है, तो ये है Realme C30S, ये लॉन्च करेंगे 7,500 में, तो मेरे ख्याल से ये वाले एक बार चेकआउट कर सकते हो, लेकिन इसका रेटिंग्स रिव्यूज का वेट करना पड़ेगा। तो ठीक है यार, ये फोन वाली तो मैंने चीज़ें आप लोगों को शॉर्ट में बता दी है, एंड मोस्टली ना ये स्मार्टफोन लैपटॉप तो सभी लोग कवर कर लेते हैं, मेरा ये वीडियो का पर्पज है कि और भी जो बढ़िया डील्स है वो भी कवर कर पाऊँ, तो अब हम लोग एकदम बढ़िया होम अप्लायंसेस के ऊपर भी कवर कर रहे हैं। देखो भाई, अब फ्लिपकार्ट क्लेम कर रहा है टीवी प्लस अप्लायंसेस में 80% तक का ऑफ आ सकता है, लेकिन अप टू का मार्क है, मतलब कितना आएगा वो तो पता नहीं है, लेकिन जो हम लोगों के हिसाब से सही डील्स लग रही है और जो हम लोग डिटेल्स निकाल पाए उसमें एक सैमसंग का मस्त सा टीवी है यार, ये 32 इंच का टीवी है बेजल फ्री। तो ये जो सैमसंग का टीवी आ रहा है इसका एग्जैक्ट प्राइस तो अभी तक नहीं डिक्लेयर हुआ है, बट ये कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब 1 X X X 9। अब मुझे जो एक्सपेक्टेड है यार, रेडमी और जो वन प्लस के टीवी आते हैं वो कुछ 14-15 हज़ार में आते हैं, तो ये लगभग समझ लो उसी के पास आएगा, सेल में कुछ और डिस्काउंट डाल दिया तो डाल देंगे, लेकिन सैमसंग के टीवीज आर नोन फॉर बेस्ट कलर क्वालिटी। अगर आपको पता होगा एप्पल का जो स्क्रीन रहता है वो भी सैमसंग ही बनाता है, तो मतलब सैमसंग का टीवी ओवर अदर स्मार्ट टीवी आप लोगों को ये थोड़ा कलरफुल और जो स्क्रीन वाइज रहेगा वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक और बहुत सही टीवी है OnePlus Y1S, ये 32 इंच का टीवी है जो कि एंड्रॉइड टीवी के साथ आता है, एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेजल लेस है और अभी चल रहा है 15999 में, और भाई ये तो अभी करंट प्राइस है, प्राइस इसका अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ है, इसका जो चार्ट है ना वो स्ट्रेट जा रहा था, बट अभी इसका प्राइस ड्रॉप होगा, तो मेरे ख्याल से ये लोग ना MI का जो टीवी है वो कुछ 13,000 में आ जाता है 32 इंच का, तो उसको मैच करने की कोशिश करेंगे, तभी इनका बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ सकता है। तो वन प्लस का टीवी अगर आप लोगों को 13-14 हज़ार में मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अब बैंक ऑफर और लगा देना 12,000 में ये डील निकाल लेना। अब एक और होम अप्लायंस की बात कर लेते हैं, वो है प्रिंटर। तो कैनन का भी एक बहुत बढ़िया प्रिंटर आ रहा है, उसका नाम है कैनन MG2570S, ये सेम ऐसा प्रिंटर रहता है बट इसमें एक कम फीचर है, जैसे कि इसमें आप लोगों को सारे फीचर्स दिख रहे हैं ना, उसमें आप लोगों का ये वायरलेस वाला जो फीचर है वो निकल जाएगा और बाकी सारे फीचर्स ऐसे के ऐसे मिलेंगे। फीचर्स बोले तो कॉपी प्रिंट स्कैन, मतलब कॉपी तो कर ही लेगा स्कैन भी कर लेगा यहाँ पे, और नॉर्मल आप लोगों को USB से प्रिंट हो जाएगा, वाईफाई से वो प्रिंट नहीं कर पाएगा, लेकिन भाई प्राइस में बहुत कम आएगा और भाई बहुत सही रेटिंग्स के साथ आएगा, तो इसकी रेटिंग्स 45,000 जितनी है फ्लिपकार्ट पे, करंट प्राइस इसका चल रहा है 4100, प्राइस इसका अभी तक कम नहीं हुआ है, सेल में आके कम होगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ 3500 के पास भी आ गया ना तो भाई बहुत सही डील हो जाएगी इसमें। लेकिन एक चीज़ है, इसकी जो प्रिंटिंग आती है वो 500-600 रुपये की आती है और पर पेज कॉस्ट आप लोगों को 2-3 रुपये पड़ जाती है। तो अब एक ऐसा प्रिंटर बताता हूँ जिसमें आप लोगों को बहुत कम कॉस्ट पड़ेगी आप लोगों को प्रिंटिंग की, इसमें आप लोगों को कलर पेज प्रिंट करने की कॉस्ट पड़ जाती है 18 पैसा, और ब्लैक पेज प्रिंट करने की, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट वाला अपना जो रहता है वो आप लोगों को 7 पैसे में प्रिंट हो जाता है। ये प्रिंटर है Epson L3100, मल्टी फंक्शनल है, प्रिंट कॉपी स्कैन सब कर लेता है, और प्राइस में बस ये हल्का, मतलब ज़्यादा ही है, मतलब 11,900 रुपये के पास में, अगर ये डिस्काउंट अभी इसमें आने ही वाला है 50% के आसपास इन लोगों ने डिस्काउंट बोला है,
बट मुझे जितना लगता है 2000 कर देंगे ये लोग कम, एंड कर भी देते हैं तो बहुत अच्छी डील हो जाएगी ये। प्लस यूजुअली अगर कोई इतना अच्छा प्रिंटर ले रहा है तो मोस्टली अपने ऑफिस वगैरह के लिए लेते हैं। ऑफिस के लिए रहे हो तो GST इनवॉइस इसमें मिलता है, आपको GST डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी अगर मान लो 8-9 हज़ार में आया, प्लस 18% और ऑफ, प्लस बैंक ऑफर्स वगैरह सब लगाओगे तो भाई क्या डील निकलेगी। तो बहुत सही चीज़ है। और इसकी कलरिंग का पूरा सेट भी आप लोगों को 550 रुपये के अंदर आ जाता है, तो मतलब कलरिंग की एक बार डाल दी आप लोगों ने, आपका सारा काम हो जाएगा। अब थोड़ी सी वॉशिंग मशीन्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें यार फ्लिपकार्ट बहुत ज़्यादा हम लोगों को अच्छी डील्स नहीं निकली, बट कुछ ही डील्स हम लोग निकाल पाए और हमारे सिर्फ दो ही पिक हैं इसमें। वर्लपूल 7 kg फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है एक ये, तो भाई ये रेटिंग में अच्छी है, एकदम फुल्ली लोडेड हो सकती है, मतलब भर के भी डालोगे तो फिर अच्छा कवर कर लेती है 7 kg तक। एंड करंट प्राइस इसका चल रहा है 16,990 रुपये, लेकिन वही सेल में और डिस्काउंट में आएगी अभी। और एकदम कट टू कट बजट वाली हम लोगों ने निकाली है, अगर आप लोगों को 7 kg में चाहिए तो वर्लपूल की ये 7 kg की सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, जो कि आप लोगों को अभी 10,000 रुपये के अंदर मिल जाती है। एंड मैं सोच रहा हूँ अगर ये डिस्काउंट में आएगी, भाई वैसे इतनी कम है ये, और अगर आप लोगों को और डिस्काउंट में डाल दो तो मतलब समझ लो 7-8 हज़ार में अगर ये आ जा रही है, तो जिसका भी मतलब ऐसे वॉशिंग मशीन चाहिए थी काम करना है और भाई बहुत एकदम टाइट बजट के अंदर ही है, तो ये तो भाई आप लोगों के लिए डील बनी है। ये सेल के टाइम पर ज़रूर इसको अपने विशलिस्ट में डाल के रखना और जैसी प्राइस कम हो। अब क्या है ना, अगर आप लोग इतनी सारी डील्स देख रहे हो तो भाई सारी डील्स ऑन टाइम ग्रैब करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि और भी काम करना है ना, सिर्फ Amazon Flipkart खोल के थोड़ी ना बैठेंगे। ये चीज़ हम लोग आप लोगों के लिए सिंपल कर देते हैं, हम लोग आप लोगों को ना यार इन हैंड ऑन टाइम डील्स बताएंगे। इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल डेडिकेटेड चैनल बताया, काउंटिंग यूनिक। तो ये चैनल बनाई इसलिए कि आप लोगों को बहुत सही जो भी बेस्ट डील्स हैं सेल के टाइम पे और जो डेली डील्स भी आती रहती हैं वो आप लोगों को मिलती रहे। तो ये टेलीग्राम चैनल पे ना हम लोग कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहते हैं, मतलब वहाँ पे आप लोगों को पूरे टाइम डील्स मिलेंगी सेल के टाइम पे, और जो बेस्ट डील्स रहेंगी वो हम लोग ऑन टाइम वहाँ पे निकाल के आप लोगों को देंगे, ताकि आप लोग मिस ना करो। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके जरूर सब्सक्राइब करके रखना भाई, सेल का टाइम है, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। क्या है ना, जो भी और आप लोग के पैसे बच पाएंगे वो आप लोग के बच जाएंगे अगर आप लोग सही टाइम पर डील ग्रैब कर लोगे। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं यार। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोगों ने मॉनिटर कंसिडर किया। मॉनिटर में फ्लिपकार्ट पे ऑनेस्टली इतने अच्छे मॉनिटर्स नहीं है भाई, ये सच बात है, फ्लिपकार्ट पे कभी इतने ज़्यादा अच्छे मॉनिटर्स कभी आए नहीं। और जो है उसमें से एक जो बहुत टॉप रेटेड है, जो अच्छा चल रहा है, सैमसंग का ये 24 इंच का फुल HD मॉनिटर। तो ये मॉनिटर 3-साइड बॉर्डरलेस डिस्प्ले के साथ तो आता है, आई सेवर मोड, फ्लिकर फ्री मोड, ये सारे मोड्स के साथ ये आता ही है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई इसका रिफ्रेश रेट कितना है, तो यार इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 75 हर्ट्स ही है, ये 120 हर्ट्स तक नहीं जाता यार ये। तो अगर आप लोग ऐसे थोड़ा मिस करते हो ना, थोड़ा गेमिंग थोड़ा काम, तो उस हिसाब से बहुत सूटेबल है। एंड सैमसंग की मुझे कलर्स स्पेशली पसंद आते हैं। और एक और बहुत सही चीज़ कि इसका प्राइस ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, तो ये 12K में मिल रहा था, मतलब 12,000 में मिल रहा था, अभी ये 10,000 से 1 रुपये कम में मिल रहा है, मतलब 999। तो यार ये मैं आप लोगों को ग्राफ भी दिखा रहा हूँ, तो ये ग्राफ में देखना एकदम लास्ट में कितना जैसे ड्रॉप हुआ है। तो अभी ये सेल से पहले जस्ट ड्रॉप हुआ है प्राइस। तो कोई अगर मॉनिटर लेने का सोच रहा है, तो हमें फ्लिपकार्ट पे बस एक ही मॉनिटर मुझे जो पसंद आया वो था ये, और भी हम लोग कवर करेंगे लेकिन वो अमेजोन पे कवर करेंगे, तो अमेजोन पे जब ग्रेट इंडियन वाला जो वीडियो आने वाला है उसमें पूरा कवर हो जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हम लोगों का लास्ट फ्रिज। तो यार फ्रिज में भी हम लोगों को बस एक ही पसंद आया, वर्लपूल का ये 265 लीटर्स वाला फ्रिज है। और ऑनेस्टली बोलो तो मुझे अमेजोन पे ज़्यादा बेटर डील्स मिल रही है, तो मैं आप लोगों को फ्लिपकार्ट पे कोई भी रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड डील सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उससे एक बेटर चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, वो है फर्नीचर रिलेटेड। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्लो मैट्रेस का मेमोरी फोम वाला एक बहुत अच्छा मैट्रेस है 8 इंच का, जिसका प्राइस स्लोली ड्रॉप होता ही जा रहा है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर अभी तक ड्रॉप होता ही जा रहा है, तो फिर सेल पे तो ऑफकोर्स और कम होगा। तो अगर कोई अपने बेड की मैट्रेस चेंज करने का सोच रहा है तो दिस कैन बी अ राइट टाइम। और एक ही फ्लिपकार्ट का ही वुड फर्नीचर वाला 2-डोर वार्डरोब भी मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत कम प्राइस में आ रहा था, 6,290 रुपये में अभी आ रहा है। अरे वाह सही प्राइस बोल दिया। हाइट में 6 फिट का है, चौड़ाई में ये है 2 फिट 5 इंच, तो भाई अच्छा खासा है ये। और ये पूरा इंजीनियरिंग वुड का बना हुआ है, बट कंसिडरिंग मैंने जिसके सारे रिव्यूज चेक किए सब रिव्यूज़ अच्छे हैं, और प्राइस में इतने कम में मिल जाता है आप लोगों को, इसीलिए इसको ना रेटिंग्स भी ज़्यादा मिली है। अब कंसिडर करो अगर ये और डिस्काउंट में जाएगा, क्योंकि इसका प्राइस अभी तो ड्रॉप नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है 5,000 कुछ रेंज में आ जाएगा, तो इट्स अ गुड डील, क्योंकि मैं ये खुद के लिए भी कंसिडर कर रहा हूँ, मुझे एक वार्डरोब लेना ही है, तो मैं ये वाला एक बार देख रहा हूँ खुद के लिए भी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत प्यारी चीज़ है, फ्लिपकार्ट का ही है ये। तो ये है फ्लिपकार्ट परफेक्ट होम वुड TV एंटरटेनमेंट स्टैंड, मतलब स्टैंड का ये पूरा का पूरा यूनिट है, ये फोटोज आप लोग दे सकते हो। अब इसका प्राइस भाई आप लोगों को 5,790 रुपये पड़ता है। अब मान लो और ये कम प्राइस में आया, मतलब 4,000 के पास में मिल गया, और इन्होंने क्लेम भी किया 10-20% तो मिनिमम ऑफ मिलने ही वाला है। इसमें आप लोगों को 2 ड्रॉर्स मिल जाते हैं, ओपन शेल्फ में आप लोगों को 6 मिल जाते हैं, और इसका भी जो वुड है वो इंजीनियरिंग वुड ही है। तो ये बस ऐसा है कि भाई इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि ओरिजिनल वुड तो है नहीं, तो ये लंबे चल जाते हैं, इस पर कोटिंग वगैरह भी रहती है, और प्राइस में भी कमी आते हैं, तो जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो।
तो ये था बॉस हम लोगों का ऐसा वीडियो जिसमें लोगों ने 20 से ज्यादा डील्स कवर करी हैं फ्लिपकार्ट पे जो अच्छी आ रही है, मतलब पर्सनली जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ अगर मुझे ये परचेज करना रहेगा तो, और बिल्कुल अनबायस होकर मैं आप लोगों के लिए क्या बेस्ट निकाल सकता था वैसे ही हम लोगों ने डील्स निकाली है। तो डेफिनेटली एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। प्लस मेरे को कमेंट्स में भी क्वेश्चन पूछ लो यार, कुछ भी रिलेटेड रहेगा तो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग आंसर कर पाऊँ। और हम लोग अमेजन ग्रेट इंडियन सेल पे भी वीडियो निकाल रहे हैं तो फिर वो भी जाके चेकआउट कर लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग हम लोगों को टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप लोगों को सारी बेस्ट डील्स अगर आप लोगों को चाहिए तो। एंड ऐसे ही हम लोग अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस बनाते रहेंगे और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। चलो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।